बॉलीवुड की फिल्म आर्टिकल 15 इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म ने खासी लोकप्रियता अर्जित की है। उन्नाव दुष्कर्म कांड पर चर्चित इस फिल्म ने कई संदेश एक साथ दिए हैं। इस फिल्म की कई मायनों में चर्चा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित माखी के चर्चित दुष्कर्म मामले में एक और नया मोड़ सामने आया। पीड़िता की कार रविवार को रायबरेली में एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में पीड़िता की चाची की मौत मौके पर ही हो गई। पीड़िता समेत अन्य तीन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहां एक और महिला की मौत हो गई। हालांकि आर्टिकल 15 एक अलग बलात्कार कांड पर आधारित फिल्म है, लेकिन उन्नाव में ही ये दूसरा मामला हुआ है जहां इसी दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद हैं। बताया जाता है कि दिन में करीब 1 बजे तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान लालगंज की ओर से जा रहे ट्रक और बरेली जा रही सफेद रंग की कार में टक्कर हो गई। दुष्कर्म पीड़िता और उसके वकील की हालत नाजुक बताई जा रही है। पीड़िता के चाचा रायबरेली जेल में बंद हैं। रविवार को ये सभी लोग उनसे मिलने जा रहे थे, तभी एक मोड़ पर हुई टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का नंबर UP7180-8300 है, लेकिन आगे पीछे नंबर प्लेट को दोनों ओर से ग्रीस से पोता गया था ताकि नंबर छिपा रहे। अब यह किन कारणों से किया गया है, RTO के डर से या और कोई बात है, यह पुलिस की जांच में सामने आएगा। हालांकि SP सुनील कुमार सिंह मौके पर छानबीन कर रहे थे, तब उनसे सवाल भी पूछा गया कि घटना के पीछे कोई और वजह है, तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना लग रही है। कारणों की जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम लखनऊ से आ रही है, उसके बाद स्थिति साफ हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के जेल में बंद होने के बाद यह मामला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ था, और इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह दुर्घटना एक साजिश भी हो सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।